हेलो एवरीवन, मेरा नाम है करिश्मा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल करिश्मा लाइफस्टाइल पे। आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ अफोर्डेबल अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट फाइंड्स। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, तो आज मैं वो सब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इन प्यारे से पिलो कवर्स से। ये पिलो कवर्स मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे और इसका जो मटेरियल है वो प्योर कॉटन है और ये मुझे 5 के सेट में मिले थे और इसका प्राइस कुछ 499 था, जो कि इट्स क्वाइट रीजनेबल। और ये अगर आपको प्योर कॉटन मिल रहा है तो उसके लिए तो ये प्राइस बहुत ही सही है। तो मैंने पिलो कवर्स अपने सोफ़ा कवर के साथ मैचिंग करने के लिए ये कलर ख़रीदा था, क्योंकि मेरे जो सोफ़ा कवर है वो ग्रीन कलर के हैं, तो ये मैंने कुछ कॉम्बिनेशन में परचेज़ किया था। तो इस पिलो कवर के साथ मैंने एक और सेट ऑर्डर किया था पिलो कवर का, और वो है ये। ये मेरे सोफ़ा के साथ मैच नहीं करते हैं, बट फिर भी मुझे इसका जो प्रिंट है और इसका जो कलर है वो मुझे बहुत ही पसंद आया, तो मैंने इसको भी ऑर्डर कर लिया। अगर इन फ्यूचर मैं अपने सोफ़ा कवर्स को चेंज करती हूँ तो उसके साथ, तो मैं उसका कॉम्बिनेशन कुछ इसके साथ ही रखूँगी। और ये भी सेम कंपनी का ही है, सेम प्राइस 499 में है और ये भी प्योर कॉटन में ही है। तो ये जो पिलो कवर्स होते हैं आप इसका साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा साइज़ है, जो नॉर्मल सबके घरों पे रहते हैं पिलोज उसको ये फिट आ जाएगा। बाकी इसका साइज़ आपको साइट पे मेंशन मिल जाएगा कि कौन सा साइज़ है, कितना सेंटीमीटर है, क्या है। तो इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है वो एक पर्सनल आइटम है और वो है ये स्क्रंचीज। तो ये है 12 पीस ऑफ स्क्रंची सेट, जो कि मुझे 199 में मिला था और ये इसका जो मटेरियल है वो सैटन मटेरियल है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो सैटन होता है, सैटन के रबर बैंड्स और स्क्रंची यूज़ करने से आपके बालों में ब्रेकेज काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और अभी हमारा जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो एक क्लच है, जो कि मैंने अपने शादी के टाइम पे ऑर्डर किया था। मैंने उसको अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि वो एक ब्राइडल क्लच है जिसको आप सिर्फ अपने शादी के दिन ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको किसी फेस्टिवल में, किसी का अगर कोई वेडिंग फंक्शन है, कुछ ऐसा है, तो आप उसमें उस क्लच को कैरी कर सकते हैं। तो ये जो क्लच है इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। अभी इसका कलर आपको कुछ रेड लग रहा होगा, लेकिन रेड कलर नहीं है, ये मेजेंटा कलर में है, मेजेंटा पिंक कलर में है। और ये मुझे मिल गया था कुछ 349 रुपीज़ में। और ये क्लच को मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि इसको मैंने अपनी शादी के टाइम पे ही ख़रीदा था, तो मैंने सिर्फ इसको एक बार ही अपने लहंगे के साथ ही कैरी किया था। तो इसके अंदर कोई भी आपको पॉकेट्स या कुछ भी सेक्शंस नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ ऐसा एक सिंपल क्लच है। और इसके साथ आपको ये चेन मिल जाएगा जिसको कि आप लगा के इसको अपने शोल्डर पर भी कैरी कर सकते हैं। तो इसका प्राइस मुझे काफ़ी सही लगा था 349, तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ कर लिया था और ये मेरे लहंगे के साथ भी मैच कर रहा था। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये है एक लैम्प। ये जो लैम्प है इसको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था और इसका प्राइस भी कुछ 349 ही था, रिजनेबल प्राइस है। बट इसके साथ ये है कि आपको बल्ब नहीं मिलता है, काफ़ी लैम्प्स के साथ बल्ब नहीं मिलता है, तो बल्ब आपको खुद से परचेज़ करना पड़ेगा। और बल्ब आप ये सिंपल जो हमारा येलो बल्ब होता था, तो पहले हमारे येलो बल्ब आते थे, वही बल्ब आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप CFL बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये जो जब आप इस लैम्प को ऑन करते हैं तो आपको इसमें से काफ़ी सारे कलर्स दिखाई देते हैं, और ये एक ग्लास का बल्ब है तो इसके साथ आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा। ये मैंने काफ़ी पहले परचेज़ किया था और इसको मैं अपनी काफ़ी हाउस पार्टीज में यूज़ कर चुकी हूँ। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसको मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था और वो एक होम यूज प्रोडक्ट ही है, और वो है ये। एक्चुअली ये एक डोर सीलिंग स्ट्रिप है जिसको हम अपने डोर के नीचे लगाते हैं। अगर आपके डोर और आपके जो आपके टाइल्स हैं उनमें अगर कुछ गैप बचता है और जिससे कि आपको डस्ट आती है या मॉस्किटोज आते हैं, तो उस चीज़ में ये हेल्पफुल होता है। तो इसका प्राइस मुझे पड़ा था कुछ 80 रुपीज़, बट आपको ये इसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 3, तो आपको अगर इसको परचेज करना है तो आपको इसके 3 पैकेट्स परचेज करने पड़ेंगे, जो कि ईच पैकेट कॉस्ट रुपीज़ 80, जो कि मुझे अमेजोन में सबसे कम प्राइस में यही मिला था, तो इसलिए मैंने इसको खरीद लिया।
ओके तो अभी चलते हैं हम अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला प्रोडक्ट है वो एक आइडल है, एक लक्ष्मी जी का आइडल है जो कि ये, इसका प्राइस था 249 rupees। इसको मैंने अपने मंदिर में रखने के लिए परचेज किया था और इसको काफ़ी टाइम हो गया परचेज किए हुए, लेकिन इसका कलर अभी तक नहीं गया है, तो इसलिए मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी है, ये आप पास से देख सकते हैं। जो तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसको मैंने अमेजोन से परचेज किया था, वो है ये टेबल। इस टेबल का साइज़ कुछ इतना है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना है। तो ये मैंने एक्चुअली दो परचेज किए थे, जिसका एक का प्राइस है 399, तो ये 400 का एक पीस मिलेगा आपको। तो ये आपको इस तरह से मिलेगा, इसके ये जो तीनों इसके जो स्टैंड है ये आपको अलग से मिलेंगे और आपको सिर्फ इसको ऐसे करके असेंबल करना पड़ेगा। और आप इस स्टूल को काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं अपने जो छोटे जो पॉट्स होते हैं, प्लांट पॉट्स होते हैं, उसको रखने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। और ये वुड का ही बना हुआ है और उसके ऊपर आप ये वाइट कलर का पेंट किया हुआ है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक वॉल डेकोर आइटम, जिसको कि मैंने होम सेंटर से ख़रीदा था, और वो है एक प्यारा सा वॉल डेकोर आइटम, जिसको कि आप ऐसे इस शेप में भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। मैं इसको इस तरह से लगाना पसंद करती हूँ। तो ये मुझे कुछ कॉस्ट इसका था कुछ 1000 rupees, बट आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑनलाइन ये आपको कुछ कम प्राइस में मिल जाएगा। और ये एक मेटल का प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसके ऊपर ऐसा कुछ पेंट किया हुआ है जो कि अगर आप अपने नेकेड आइज से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। कैमरा में आई थिंक आपको इसकी फिनिशिंग नहीं पता चल रही होगी। तो या तो मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट को भी थम्स अप है। तो अभी मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक लैम्प, जिसको कि अभी तक मैंने अनबॉक्स नहीं किया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको अनबॉक्सिंग करके और इसको असेंबल करके कि ये कैसा दिखता है। तो अब हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है एक कारपेट रग। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, जो एक्चुअल साइज़ है तो दिखाती हूँ। तो ये इसका भी डबल है, आपको दिख रहा होगा इसका, आपको आपको वीडियो में इसका साइज़ नहीं पता चल रहा होगा, तो मैं इसका भी आपके साथ साइज़ शेयर कर दूँगी कि जब आप इसको अपनी फ्लोर पर बिछाते हैं तो कैसा लगता है। और इसको मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था कुछ 1200 rupees में, जो कि बहुत रिजनेबल प्राइस है, क्योंकि ये कुछ रबड़ का कारपेट रग नहीं है, ये प्योर जूट का कारपेट रग है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, और इसमें आपको काफ़ी कलर ऑप्शंस और काफ़ी डिज़ाइंस मिल जाएंगे, लेकिन मुझे यही डिज़ाइन और यही कलर अच्छा लगा था, क्योंकि जो मेरे घर का जो इंटीरियर है वो आप देख सकते हैं कि कुछ वाइटिश क्रीम कलर में है, तो उसके हिसाब से मुझे यही मैचिंग में अच्छा लगा। और अगर आप चाहते हैं इसमें अलग कलर वगैरह परचेज करना, तो आपको अमेजोन पर काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। उसका प्राइस कुछ 1200 ही था, तो या आप इसको अमेजोन से जाके ऑर्डर कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आप सबको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।